हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी फार्मासिस्ट ज्योति, और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी CYP L ड्रॉप्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। CYP L ड्रॉप्स 15 ml भूख बढ़ाने वाले नाम के दवाओं से रिलेटेड है, जिसका यूज़ बच्चों में भूख बढ़ाने और मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम का इलाज करने के लिए किया जाता है। CYP L ड्रॉप्स भूख की कमी, वजन घटने और शरीर के कम वजन के साथ खाने का डिसऑर्डर्स के इलाज में भी हेल्प करता है। इसके अलावा इसे कम वजन वाले बच्चों के लिए भी देने की सलाह दी जाती है, जैसे कि किसी बच्चे को भूख नहीं लग रही है, एनीमिया हो गया है, पाचन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो इन सब का इलाज करने के लिए इसे दिया जाता है। इस दवा को अपने बच्चे के डॉक्टर द्वारा बताए गए डोज, टाइम और तरीके से ही दें। इस दवा को एक फिक्स टाइम पे दें, ताकि यह धीरे धीरे आपके बच्चे की डेली रूटीन का हिस्सा बन जाए। यदि आपका बच्चा इस दवा को लेने के 30 मिनट के अंदर उल्टी करता है, तो अपने बच्चे को शांत करने में हेल्प करें और फिर से दवा को दें। आपको अपने बच्चे को महीने में कुछ दिनों तक यह दवा देने की ज़रूरत हो सकती है, इसलिए ज़्यादा बेनिफिट्स पाने के लिए इसे सही टाइम और तरीके से देते रहें। इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इससे आपके बच्चे में दिल की धड़कन का बढ़ना, चक्कर आना, सिर दर्द, कब्ज और मुंह सूखना जैसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और एक बार जब आपके बच्चे को यह दवा सूट कर जाए, तो यह साइड इफ़ेक्ट्स अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर यह साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा टाइम तक बने रहते हैं या परेशान करते हैं, तो बिना किसी देरी के अपने डॉक्टर से बात करें। तो आप बात करते हैं कि इस दवा को देते टाइम आपको क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। यदि आपका बच्चा किसी मेडिकल ट्रीटमेंट पर है या किसी दवा या भोजन से एलर्जी है, तो इसके बारे में अपने डॉक्टर से बात करें। डॉक्टर को यह भी पता होना चाहिए कि क्या आपके बच्चे को आंत्र रुकावट, कुपोषण, वजन से रिलेटेड प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, हार्ट, लीवर या किडनी की कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, सब बताएं, क्योंकि यह सारी जानकारी ट्रीटमेंट में किसी भी कॉम्प्लेक्सिटी से बचने में हेल्प करेंगी और आपके बच्चे के डॉक्टर को आपके बच्चे के होलिस्टिक हेल्थ को बेहतर बनाने में हेल्प मिलेगी। तो अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।